एक बार की बात है, चाइना में तीन भिक्षु रहा करते थे। वो जिस भी स्थान पर जाते तो वहाँ पर वह हंसते रहते थे। उन्हें हंसता हुआ देखकर वहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और उनकी इस अजीब प्रकार की हंसी को देखकर लोग खूब हंसा करते थे। कुछ देर हंसने के बाद वो लोग दूसरे स्थान पर जाते और वही काम फिर से करते थे। लोगों के द्वारा नाम पूछे जाने पर वह कुछ भी नहीं बोलते और शांति से वहाँ से चले जाते थे। एक बार जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं इस नज़ारे को देखने के लिए कि एक भिक्षु मरा है, तो दोनों भिक्षु जरूर से जरूर रोएंगे। पर ये क्या, पहले भिक्षु की मृत्यु हुई तो दोनों भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। को द्वारा पूछे जाने पर कि उनके साथ के ही एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, फिर भी वो क्यों हंसे जा रहे हैं, तो उसमें से एक भिक्षु ने पहली बार एक जवाब दिया। हम हमेशा लड़ाई करते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इसने मरकर हमें हरा दिया, इसलिए हम इसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। जब उस व्यक्ति के शव को जलाया गया तो उसमें से ढेर सारे पटाखे फूटने की आवाज़ आई, जिसके थ्रू एक बार पूरा गांव हंसा। वह व्यक्ति हमें सिखा गए कि हमें सदैव हंसते रहना चाहिए।